की शुरुआत कर रहे हैं। पैंड्रा में राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने जेसीसी जे के नेता अमित जोगी का कवर जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। कल ही अमित जोगी ने बरवाही विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया था। जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद अमित जोगी अब सुरक्षित सीट मरवाही से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र मामले में कांग्रेस सहित कई दलों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर बंद कमरे में सुनवाई लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वैभव शिव पांडे का रुख करते हैं। वैभव, आखिरकार जिसकी उम्मीद जाहिर की जा रही थी वो उम्मीद अब सच साबित हुई, जो शंका थी वो शंका अब सच साबित हो गई है, किस तरह का माहौल, क्योंकि अब अमित जोगी नहीं लड़ पाएंगे उपचुनाव? बिल्कुल, जिस तरह का अनुमान जो है जोगी परिवार की तरफ से लगाया जा रहा था कि अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और सरकार उनकी जाति का जो मसला है उसको ठीक नामांकन के आसपास लेकर के आएंगे, तो वही हुआ कि नामांकन के जो स्क्रूटनी की जो दिन था आज, उसी दिन राज्य स्तरीय जो छानबीन समिति है उसका फैसला आता है और जिसमें अमित जोगी की जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जाता है। तो लगभग ये सारी चीजें पहले से तय थे, अनुमान जो लगाया जा रहा था वो ये मान लिया गया था कि ये चीजें होने वाली है, और यही वजह है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से चार जो नामांकन है वो दाखिल कराए गए, जिसमें कि खुद अमित जोगी, उनकी पत्नी ऋचा जोगी और दो दो अन्य प्रत्याशी हैं जो कि पुष्पांजलि तंवर और मूल सिंह, ये दो और हैं जेसीसी के प्रत्याशी जिनका नामांकन हुआ है। तो ये इनमें से अभी तय होगा कि आखिर में जो है प्रत्याशी कौन होगा, यानी कि सोमवार को ये चीजें जो है साफ हो पाएगी। वैभव, बड़ा सवाल ये भी है कि अमित जोगी का जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर जिस तरह से उनका नॉमिनेशन कैंसिल यहाँ पे कर दिया गया है, तो वही तलवार अब ऋचा जोगी के ऊपर भी लटक रही है, क्योंकि दोनों एक ही, अब शादी के बाद ऋचा जोगी भी उसी जाति को बिलोंग कर रही है जिस जाति का जो सर्टिफिकेट है जो अमित जोगी ने लगाया है, तो संशय की स्थिति तो यहाँ पे ऋचा जोगी के साथ भी है। तो कुल मिला के ये मान लिया जाए कि जो चीज अभी अमित जोगी के साथ हुई है वही ऋचा जोगी के साथ होगी, और जो दो अन्य जिन्होंने जेसीसी जे की तरफ से नॉमिनेशन दाखिल किया था उन्हीं में से कोई एक होगा जो मरवाही का प्रतिनिधित्व करेगा, मरवाही सीट से चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल रस्क, आप एकदम सही कह रही हैं कि ऋचा जोगी का जो नामांकन है वो भी निरस्त कर दिया जाएगा, इसका फैसला कुछ देर में आ जाएगा, स्क्रूटनी जो है जारी है। लेकिन जो आप बात कह रही हैं कि पुष्पांजलि या मूल सिंह दोनों में से कोई एक प्रत्याशी होगा, ये इस पर निगाह सभी की है कि पुष्पांजलि चुनाव लड़ेंगी या फिर मूल सिंह वहां से चुनाव लड़ेगा, तो ये दोनों पर जो है निगाहें है। अमित जोगी का चूंकि नामांकन निरस्त हुआ तो ऋचा का तो नामांकन निरस्त होना स्वाभाविक था, क्योंकि जिला स्तरीय जो छानबीन समिति है उसमें उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पहले ही निरस्त कर दिया गया है, तो कहीं कोई आपत्ति और अपील जैसी स्थिति फिलहाल तो नहीं है। ये जरूर है कि अब इस मसले को लेकर के आप कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़ते रहिए तो उसमें वक्त जो है जाते रहेगा, और जो अभी 3 साल का एक वक्त बचा है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, वो वक्त लगभग कोर्ट की तमाम प्रक्रियाओं में निकल ही जाएगा। तो फिलहाल तो ये स्पष्ट तौर पे अब कहा जा सकता है कि मरवाही में जोगी परिवार जो है वो चुनावी मैदान से बाहर हो चुका है, ना तो वहां पे अब अमित है और ना ही ऋचा है, निगाहें जो है वो पुष्पांजलि तंवर और मूल सिंह पर है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो मूल सिंह है वो जोगी परिवार के ही सदस्य हैं, यानी ये सदस्य कौन है, वो बिल्कुल करीब के सदस्य हैं या दूर के सदस्य हैं, अभी इसका कोई खुलासा बहुत ज्यादा खुलकर किया नहीं जा रहा है। लेकिन ये भी कहना अभी उचित नहीं होगा रस कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है, जोगी परिवार का गढ़ रहा है मरवाही, भले ही जोगी परिवार इस चुनावी मैदान में नहीं रहेगा लेकिन मुकाबले में वो जरूर रहेगा, और कांग्रेस और बीजेपी के लिए आसान है ये सीट, ये भी कहना अभी सही नहीं होगा। बिल्कुल, और वाकई में कहना सही नहीं होगा, और जिस जो आज पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इसी का अंदेशा आप जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जोगी परिवार को पहले से ही था, इसलिए आज से ठीक 12 दिन पहले ऋचा जोगी और साथ ही अगर रेणु जोगी की अगर हम बात करें तो वो राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करती है, और साथ ही वो ये सरकार से भी अपील करती है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए इस सीट को जोगी परिवार के लिए छोड़ देना चाहिए।
बिल्कुल, जिस तरह की आशंका जो है जताई जा रही थी उसमें ये चीजें साफ थी कि कहीं ना कहीं से इसको थोड़ा सा राजनीतिक माहौल बना करके, एक सहानुभूति का जो है वातावरण बना के इस सीट को हथिया लिया जाए, और उसी के तहत ही राजभवन पहुंची थी रेणु जोगी और उनके साथ ऋचा जोगी, की कोशिश ये थी कि कांग्रेस अगर उस सहानुभूति में आ जाए और वो सीट जोगी परिवार के लिए छोड़ दी जाए तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह के घटनाक्रम के अनुमान तो पहले से लगाए जा रहे थे। तो अब वही हुआ है कि जोगी बिन जो है मरवाही, लेकिन जोगी बिन मरवाही के बाद भी क्या कांग्रेस वहां पे बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएगी, इस पर अभी कोई खुलकर कहने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की तरफ से जरूर जो है मजबूती के साथ दावा किया जा रहा है कि अब 70वां सीट मरवाही का सीट जो है कांग्रेस के खाते में होगा। 20 साल बाद जो जोगी परिवार से है वो सीट छीन जाएगी। कांग्रेस पूरी जो है ताकत के साथ जो है चुनावी मैदान में है। उन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं के ध्रुव, वो बहुत लोकप्रिय है उस इलाके में, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी का जो प्रत्याशी है डॉक्टर गंभीर सिंह, वो स्थानीय प्रत्याशी है, और कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव है वो बाहर के प्रत्याशी है, यानी कि वो मरवाही क्षेत्र के रहने वाले नहीं है, वो रहने वाले कोरबा के इलाके के हैं। हालांकि वो काफी लंबे समय से वहां पे नौकरी कर रहे हैं, तो स्थानीय बनाम बाहरी का एक मुद्दा भी मरवाही में छाया हुआ है। वैभव, अगर हम लेकिन बात कांग्रेस करें, के साथ सबसे अच्छी बात यह है हाँ कि वैभव, अगर हम बात करें कि जिस तरह से जोगी परिवार पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल था और कांग्रेस पार्टी का ही प्रतिनिधित्व करता आ रहा था, और 16 साल तक कांग्रेस पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर यहाँ पे अमित जोगी, अजीत जोगी मतलब प्रतिनिधित्व करते आते हैं, वो जीतते हैं, तो एक तरह से तो ये भी कहा जा सकता है जी कि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ही सीट है, हाँ और इसमें कांग्रेस के ही छाप पर जोगी परिवार चुनाव जीतता रहा है। अजीत जोगी ने इस भ्रम को तोड़ा, अजीत जोगी ने इस भ्रम को 2018 में तोड़ा, जब 2 महीने के भीतर जनता कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर अजीत जोगी वहां पे जीत कराते हैं। तो उन्होंने ये साबित किया कि भले ही कांग्रेस के चुनावी चिन्ह पर वो यहां से जीतते रहे हैं, लेकिन जनता तो अजीत जोगी को ही चुनते रही है, इसलिए ये जोगी परिवार का सीट रहा है, ये जोगी परिवार की तरफ से भी कहा जाते रहा है। अभी जो मौजूदा जो परिस्थिति और स्थिति है उसमें ये है कि चूंकि अजीत जोगी नहीं रहे हैं, अजीत हाँ, जोगी के बिना पहली बार वहां पे चुनाव हो जोगी रहा है। परिवार चुनावी मैदान में था, जो कि अब बाहर हो चुका है, लेकिन लेकिन जनता कांग्रेस मैदान में है, जनता कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो फिलहाल ये जरूर है कि जोगी के बिना जो चुनाव ये मरवाही में होने जा रहा है वो चुनाव किसके पक्ष में है, किस तरह का माहौल यहाँ वहां पे बनने वाला है। बीजेपी को इसलिए वहां पे नहीं गिना जाता क्योंकि 20 साल से 19 साल से बीजेपी वहां से बाहर है, और वहां पे कांग्रेस चुनाव जीती रही और उसके बाद फिर जनता कांग्रेस चुनाव जीती। 2018 में भी बीजेपी के पास वहां पे कुछ करने को खास रहा खास नहीं, रहा नहीं, लेकिन अब अब जब 2020 में उपचुनाव होने जा रहा है जी, बात पूरी कीजिए। जी, मैं रस्क वही कह रहा हूं कि 2020 में जो उपचुनाव होने जा रहा है वहां बीजेपी के लिए समस्याएं और दिक्कतें यह है कि उनके सारे लोग जो कि उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सारे सारे मजबूत नेता जो हैं कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष जो है कांग्रेस के साथ जाना हो, या फिर भंवर सिंह पोर्ते के परिवार से अर्चना हाँ, पोर्ते का जो है चले जाना हो, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दिक्कतें पैदा करने वाली बातें हैं। और अभी जो मौजूदा विपक्ष बीजेपी यहाँ पे जिस तरीके से काम कर रही है उनके पास ऐसे मुद्दे भी नहीं है जिसको लेकर के वो मरवाही में जाके मरवाही में भुनाए। जाए, बिल्कुल वाकई में। बीजेपी के हालांकि पास अब कोई चेहरा रहेगा? देखने वाली बात यह है वैभव, कि जिस तरह से ये पूरा जो राजनीतिक समीकरण आज बदला है, इसकी हालांकि उम्मीद पहले से ही की गई थी और अंदेशा सभी को था, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब जो जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, उन समीकरण पर जो वोटर्स है वो किस ओर ज्यादा झुकता है, ये 3 तारीख को जिस तरह से ईवीएम में वोट सबके बंद हो जाएंगे, 10 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, और आपसे कुछ देर बाद यह भी पता चल जाएगा कि आखिर ऋचा जोगी का क्या भविष्य है, क्या उनके साथ भी वही चीजें हो रही हैं जो अमित जोगी के साथ हुई हैं। थोड़ी देर का और इंतजार, आप नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे इस बेहद ही महत्वपूर्ण खबर पर पल पल का अपडेट लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ट्वीट भी आ गया है, अमित जोगी ने ट्वीट भी किया है, तो
यहाँ पे अमित जोगी कह रहे हैं कि कातिल ही मुनासिफ है, मतलब एक शेर के माध्यम से वो अपने ट्वीट को वाइंड अप कर रहे हैं, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो कांग्रेस ने अपना वचन पत्र